एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीकंपोजिशन। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में जाना था। उसके टाइप हम लोगों ने देखे थे कि दो तरह का होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये दोनों चीज़ में क्या फ़र्क है और डेफिनेशन उसका, ये सारी चीज़ें, उसका यूनिट वगैरह हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के यानी कि डिकम्पोजिशन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो डिकम्पोजिशन है वो होता क्या है? तो देखो, यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थफॉर्म बींग रेफर्ड एज द फार्मर्स फ्रेंड। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सुनते आया है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, चलो समझते हैं। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजिंग द सॉइल। यानी कि क्यों ऐसा होता है? तो जो अर्थवॉर्म होता है ना बच्चों, वो सॉइल की जो सॉइल के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल में तोड़ देता है, साथ ही साथ उसको लूज, सॉइल को लूज बनाता है, इसलिए जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको फ्रेंड्स मतलब फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ले जाने का काम करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, न्यूट्रिएंट हुआ, और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। आई होप डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन, उसका मतलब समझ में आ गया होगा। सिंपल वर्ड में कहें तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ डेड प्लांट यानी कि जो भी प्लांट मर जाते हैं, उसका जो पत्ती हुआ, उसका बार्क, फ्लावर, जो भी डेड यानी कि उसका जो भी पार्ट रह गया, या फिर एनिमल है उसका फीकल मैटर हुआ, ये सारे के सारे डेट्रिटस कहलाते हैं। ठीक है, विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कि डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो डैट इज़ ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताएं, ये सारी क्या हैं, रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए। इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों कि आपको सीक्वेंस बताना रहता है, डिकम्पोजिशन का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन, अभी हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। दूसरा होता है लीचिंग, तीसरा होता है कैटाबॉलिज्म, चौथा ह्यूमिफिकेशन, और लास्टली मिनरलाइजेशन। ओके, अब देखो बच्चों, जो डेट्रीवोरस होते हैं, डेट्रीवोरस में एक एग्जांपल है, अर्थवर्म भी डेट्रीवोरस के अंदर ही आता है। ये क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन करता है डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल्स में, यानी कि जो डेट्रिटस हुए, यानी कि मान लो कोई प्लांट मर गया, उसका जो भी पत्ती वगैरह बच गया, या फिर कोई जानवर मर गया, उसका जो डेड बॉडी है, उन सब को तोड़ करके इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, या फिर सिंपल ये कहें तो स्मॉलर पार्टिकल में जो तोड़ने का काम होता है वो डेट्रीवोरस का होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक गाय था, वो मर गया, तो उस गाय के जितने भी मांस थे उन सब को सिंपल फॉर्म में जो तोड़ने का जो प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब सेकंड जो प्रोसेस है उसको लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या होता है ना कि जितने भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गो डाउन इनटू दिस सॉइल होराइज़न एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। यानी कि जितने भी जो भी पानी में घुलने वाले जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन की वैसी सतह पे चले जाते, गो डाउन इनटू द सॉइल होराइज़न। ठीक है, होराइज़न के अंदर चले जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम होते हैं वो डेट्रिटस को तोड़ देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ तीनों का? तीनों का मतलब ये हुआ कि मान लो एक गाय थी, ठीक है, वो गाय मर गई, तो इसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में जो लाने का प्रोसेस था, डैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब मान लो इस सिंपल फॉर्म में है, इसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो वाटर में घुल जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो नहीं घुलेंगे। तो जो वाटर में घुल गए वो ज़मीन के अंदर चले गए, अब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, ज़मीन के अंदर चले गए तो अब जो लोग ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं तो उसके लिए अवेलेबल तो नहीं ना रहेंगे,
तो इसको हम लोग बोलेंगे लीचिंग। और जो बचा हुआ है, जो अब जो यहाँ पे बच गया, ठीक है, ये इस पर क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी फंजाई है, उन सब का जो एंजाइम होगा वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। और इस ये जो मैंने आपको इस वाले से मैंने शो करा है, जो बच गया उसके ऊपर जब एंजाइम का एक्शन होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केटाबोलिज्म। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द एबव स्टेप इन डीकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को ऐसा लगता है कि सब एक एक करके होगा, जैसे फ्रेगमेंटेशन एक बार में हो गया, फिर मतलब एक एक करके सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है, सब एक साथ चलता रहता है। कैसे? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। जब सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन होगा तो उस वक्त जो प्रोसेस काम करेगा डैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो ह्यूमिफिकेशन होता है उसका क्या मतलब है। सो ह्यूमिफिकेशन जो है ना बच्चों, ह्यूमिफिकेशन टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर, ये इंपॉर्टेंट है, डार्क कलर एमॉर्फस सबस्टांस जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, डैट इज़ हाईली रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन से, एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। मान लो कि तुमने प्लास्टिक दिया, ठीक है, प्लास्टिक को अगर डिकम्पोज करवाना पड़ेगा तो क्या वो होगा? आसानी से नहीं ना होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा। हड्डी है, हड्डी को अगर डिकम्पोज तुमको करवाना है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे गोश्त रख दो, मतलब मसल्स रख दो, और यहाँ पे हड्डी रख दो, तो दोनों में डिकम्पोज कौन पहले होगा? ऑफकोर्स जो मसल है वो होगा। इसको हड्डी को डिकम्पोज होने में, बोन को डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि ह्यूमस वैसी चीज़ों को कहा जाता है, यानी कि जो डार्क कलर के होंगे, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गए, उसके ऊपर माइक्रोब का एक्शन जल्दी नहीं होगा, उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट से होगा, और ये जो जिस प्रोसेस से होगा उसको हम लोग ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। बींग कोलाइडल इन नेचर इट सीवियर इट सर्व एज रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मतलब जाहिर सी बात है कि ये कोलाइडल नेचर का होता है तो न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर भी होता है। ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेटेड बाय सम माइक्रोब। जो ह्यूमस होता है ना, वो फिर आगे चल के कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो इसको डिग्रेडेट करते हैं और रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसी प्रोसेस को हम लोग ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन इज लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन आप बिना ऑक्सीजन के नहीं कर सकते हो। तुमने ध्यान दिया होगा कि अगर डिकम्पोजिशन चीज़ें वहाँ ज़्यादा सड़ती हैं जहाँ पे पानी हो और गर्मी हो। क्यों? गर्मी के दिन में कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी है यानी कि उसको हीट मिल रहा है, दूसरा पानी अगर उसके ऊपर पड़ गया, यानी कि जो बरसात का दिन में पानी रहता है ना, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन उस वक्त ज़्यादा होता है। तो डिकम्पोजिशन जो सब के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कंट्रोल्ड बाय केमिकल कम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो डेट्रिटस है उसके केमिकल कम्पोजिशन क्या है और उसके क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है। हो सकता है कि तुम कश्मीर में हो तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होगा, लेकिन तुम किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी इसको अफेक्ट करेगा। केमिकल कम्पोजिशन, तुमने कोई ऐसा सामान लिया है जैसे कि मसल लिया है तो वो आसानी से डिकम्पोज करेगा, लेकिन तुमने बोन लिया है तो आसानी से नहीं करेगा। इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी खास तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट इज़ स्लोअर इफ़ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ था, इस लाइन को ही उठा करके पूछा था एनसीईआरटी वालों ने कि डिकम्पोजिशन का रेट स्लो कब रहेगा, तो उसमें ऑप्शन में था लिग्निन की वजह से, काइटिन की वजह से, या फिर शुगर की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों की वजह से। ठीक है, और डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो मतलब क्विकली होगा। कब होगा क्विकली? अगर डेट्रिटस के अंदर नाइट्रोजन या फिर वाटर सोल्युबल सबस्टांस जैसे कि शुगर है, या फिर टेम्परेचर है, या फिर सॉइल मॉइस्चर है, तो ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन को, अफेक्ट करता है सॉइल माइक्रोब्स को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, लिखा हुआ है कि वॉर्म्स एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। वही मैंने अभी जो बताया कि बरसात का जो गर्मी होता है उसमें गर्मी भी होता है साथ ही साथ मॉइस्चर भी होता है, तो वॉर्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, जबकि लो टेम्परेचर एंड एन एरोबायोसिस इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को। ठंडी के दिन में कहाँ कोई चीज़ ख़राब होता है जल्दी,
तो इसीलिए ठंडी के दिन में कहाँ है लोग शादी में जाते हैं तो इतना तक खा के आ जाते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है ना। या फिर किसी के घर पे अगर मान लो शादी है तो ठंडी के दिन पे लोग बचा के रख लेंगे कि चलो ठीक है इसको कल परसों खाएंगे, लेकिन वही गर्मी के दिन में नहीं रखेंगे क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बिल्डअप होगा ऑर्गेनिक मटेरियल। वही चीज़ देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का एक सिंपल फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि मान लो ये एक पत्ती है, ठीक है, ये एक कोई पेड़ है, इस पेड़ का ये पत्ता गिरा, ग्रीन लीफ फॉल डाउन, अब ये धीरे धीरे करके सड़ेगा तो इसके ऊपर देखो ये अर्थवर्म वगैरह लगेंगे, फिर इसका जो न्यूट्रिएंट तीन तरह से होगा, देखो ऑर्गेनिक रिच सॉइल में आ गया, नहीं यहाँ पे एक ये फंगल उसको खाया, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे फर्दर डिकम्पोजिशन हुआ बैक्टीरिया की वजह से, अब वापस से ऑर्गेनिक सॉइल मिल गया और ये जो ऑर्गेनिक सॉइल है मतलब रिच सॉइल है ये वापस से उस पेड़ के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।